हेलो, मैं तड़का की तरफ से आपको नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं कांटेदार बैंगन की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। इसके लिए हमने आधा किलो कांटेदार ताजा बैंगन लिए हैं, जिनको पानी में डाल दिया और इनको पानी में ही काटेंगे। बैंगन की सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए अन्य जो सामग्री है वो इस प्रकार से है। दो प्याज, दो हरी मिर्च जिनको बारीक कट कर लिया है, एक कटोरी ताजा दही लिया है। दही से ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। और मसाले में दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक तथा तड़के के लिए जीरा, थोड़ी मेथी, लहसुन और कसूरी मेथी तथा मीठे नीम की कुछ पत्तियां ली हैं, जिससे सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। आवश्यकता अनुसार तेल और 1 गिलास पानी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन कर दिया है। सबसे पहले पैन में तेल डालेंगे। तेल आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन बहुत तेल नहीं डालना चाहिए। तेल को अच्छे से गर्म होने दें, तब तक हम बैंगन को काट लेंगे। बैंगन को पानी में ही काटना चाहिए, नहीं तो ये काले पड़ जाते हैं, इसलिए हम इनको पानी में काट लेंगे। इनके डंठल को भी नहीं हटाएंगे, इससे भी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। इसके चार चार पीसेस बना लेंगे। ये देखिए बहुत ही ताजा कच्चे बैंगन है। ये देखिए सभी बैंगन के चार चार पीस बना लिए हैं और कट कर लिया है। ये ध्यान रखना चाहिए कि बैंगन ये कटे हुए पानी में डूबे रहने चाहिए, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। देखिए तेल गर्म हो चुका है। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले हम जीरा डाल देंगे, इसके बाद मेथी। मेथी को काला नहीं होने देना, इसको ब्राउन होने तक ही पकाएंगे। अब इसमें प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च और भी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता यदि पहले डालते हैं तो बहुत ज़्यादा ही चलते हैं, इसलिए उनको बाद में डालना चाहिए। प्याज को ब्राउन होने तक पकाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। जब तक ये प्याज तैयार होती है तब तक हम मसाले को मिक्स कर लेते हैं। सभी मसालों को एक बाउल में डाल देंगे। धनिया, मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक। अब इसमें हम दही मिक्स करेंगे। दही और बैंगन की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस मसाला दही में अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये अपने आप ही सेट हो जाएगा। इससे बहुत ही टेस्टी, 2-3 मिनट के लिए इसको पड़ा रहने देते हैं। देखिए प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम दही में मिक्स किया हुआ मसाला ऐड कर देंगे। मसाले को बराबर चलाता रहेंगे, नहीं तो ये दही फट जाएगा। मसाला पकने में आगे इसमें लहसुन डाल देंगे। लहसुन को बाद में डालने से इसकी खुशबू अच्छी होती है। ये देखिए बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनकर के तैयार हुई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको लगातार हमने 6-7 मिनट तक पकाया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पर ही ग्रेवी तैयार करनी चाहिए। अब इसमें हम कटे हुए बैंगन डाल देंगे। पानी में से तुरंत निकालते इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमारे ये बैंगन जो है काले नहीं हुए हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए बैंगन को अच्छे से मसाले में मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं, चाहे तो आप इस सब्जी को सुखाए बना सकते हैं, लेकिन पानी से भी ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनने वाली है। इसको अच्छे से मिक्स करके 5-7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम ढक देंगे। बैंगन की ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब हम इसको ढक देते हैं। गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर देंगे। ये देखिए ढक्कन हटाकर देखते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस ढक्कन को हम 2-3 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे, जिससे मेथी की खुशबू भी इसके अंदर ही रह जाएगी। इस विधि से ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबूदार सब्जी बनकर के हमारे तैयार है। अब आप इसे रोटी, पूरी या परांठे के साथ में खा सकते हैं। अच्छा, दही और बैंगन वाली सब्जी ये बनाने की विधि यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, थैंक्स।